मेरा नाम है आरिफ विमो। हम ये स्कूल का चेयरमैन 40 इयर्स हो गया, क्योंकि हम लोग लोकल या कमिटी नहीं होने से ये स्कूल तो बिल्कुल गवर्नमेंट तो केयरलेस है। हम लोग जबरदस्ती करके ये स्कूल चला रहे हैं। आप देखिए ये रूम का, ये जितना भी फैन है, जितना भी ये है, हम लोग कमिटी पैसा कलेक्ट करके हम लोग किना है, जितना लाइक्स है। गवर्नमेंट अभी तक ये रिनोवेशन के लिए हम लोग कितना ये अप्रोच किया, वो चीज़ को गवर्नमेंट तो नेग्लेक्ट, हमारा स्कूल को नेग्लेक्ट होने जा रहा है पहले से। मैं हमारा यहाँ MLA दोनों MLA से तो अनुरोध किया, बार बार मैं मेमोरेंडम भी दिया, काइंडली हमारे स्कूल में थोड़ा दिखिएगा। हम कोई इंडिविजुअल जरूर नहीं, हमारा स्कूल को डेवलपमेंट का जरूरी है, क्योंकि सारा बच्चा या एरिया का, वेस्ट का, ईस्ट का बच्चा, दोनों MLA का बच्चा यहाँ पढ़ता है। फिर भी हम इतना मेमोरेंडम दिया ये नहीं हो रहा है अभी तक। आपका देखिए यह हमारा स्कूल 1966 का स्कूल है, तो अभी वो 1966 का बिल्डिंग अभी तक हम लोग जैसे तैसे करके चला रहा है, और टीचर क्वार्टर जैसे तैसे करके, वो बारिश होने से सोने नहीं सक रहा है। आपको यह हवा होने से गिरने का मौका, ये चांस है, जो हमारे गुरु जी लोग जो एक दो तो रहता है वो भी भग जाता है। तो ये भी हम लोग कहीं से भी कलेक्ट करके, हम लोग टीना वगैरह भी हम लोग कमिटी कलेक्ट करके, हम लोग जैसे तैसे हम लोग रिपेयरिंग करके टीचर लोग को भेजने देता है। तो हमारा यह लेडीज टीचर है, सेप्पा से आ रहा है, बाई चांस लिए आपका रेनी सीजन में वो आने नहीं सक रहा है, तो उसके लिए हमको कंसीडर करना पड़ता है। आपको ये टीचर शॉर्टेज का वजह में ये रेनी सीजन में शॉर्ट होता है, लेकिन अभी समय में तो हमारा टीचर थोड़ा काफ़ी है, तो अच्छा है। तो आप देखिए यह बिल में हमारा यह स्कूल है ना, द्रविण स्कूल है, आपको सेप्पा सारा इस कामिंग का गाड़ी सीखने वाला यही बिल में सेक्टर है। कारण किस लिए, बाउंड्री वाल में गेट नहीं है, और आपका यह यहाँ में बाईपास पीछे में एक दो घर है, और गाड़ी यह पूरा उसमें जाता है। अभी हमारा क्लास करने समय में गाड़ी का आवाज होने से बच्चा उसमें ध्यान देता है। तो ये कारण से हमको अपील है सर, गवर्नमेंट को अपील है, तो हमारे यह इमिडिएटली ये बाउंड्री को सोल्व करे, और हमारे स्कूल को और इमिडिएटली इसको रिनोवेशन जरूर नहीं, हमको नया RCC चाहिए और या टीचर क्वार्टर। इसीलिए अभी जितना भी आपका देखिए करके वगैरह या वाल गिरता है, उसमें भी हम लोग मैनेजमेंट कमिटी लोग पैसा कलेक्ट करके हम लोग रिपेयरिंग करता है। डेंस बेंस को जितना भी हम पर्सनली डेंस बेंस को भी हमारे मिस्त्री को हम पैसा दे करके टुकड़ा मुकड़ा को हम ज्वाइन करके हम डेंस बेंस को रिपेयरिंग करके बच्चा को पढ़ने दे रहा है। फिर भी अभी हमारा देखिए हमारा 300 कुछ स्टूडेंट है, एनरोलमेंट है, लेकिन आपका डेंस बेंस आप काउंट करके देखिए अभी 60 पेयर है सर। 60 पेयर में कैसे करके पड़ेगा 300 स्टूडेंट। तो इसलिए हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट डे शिफ्ट बनाया, 1 to 5 तक हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट में, और 6 to 12 तक आपको डे शिफ्ट में बनाया। फिर भी बनने का जगह नहीं, क्योंकि बच्चा भी इसलिए खड़ा खड़ा पढ़ने नहीं सकता, बोलकर कोई कोई चला जाता है, भग जाता है, हम लोग कंट्रोल करने नहीं सकता है। तो हमारे टीचर प्रिंसिपल कंट्रोल करने नहीं सकता है, बोलने से बैठने का जगह नहीं, खड़ा करके कैसे पढ़ेगा बोल के स्टूडेंट हम लोग को क्वेश्चन जवाब ये बोलता है। तो इसलिए मैं अरुणाचल गवर्नमेंट को, हमारा ये विधायक MLA ऑनरेबल ताकू जी को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और ये हमारे मंत्री मामा जी को, हमारा अपना भंजा है, तो कहेंगे हम लोग नहीं बोलने से अपना दुख दर्द को देख लिया। हमारे एरिया में एक तो सारा स्कूल का मैं थोड़ा देखने, हम लोग भी कम के देखता है, वो लोग कहीं कहीं में बाउंड्री है, प्राइमरी में भी बाउंड्री है, लेकिन हमारा यहाँ स्कूल 1966 का स्कूल है, अभी तक बाउंड्री नहीं है। मैं PN द्विवेदी इस समय इस विद्यालय का इंचार्ज हूँ। मैं यहाँ जुलाई 2005 से कार्यरत हूँ नियमित रूप से। वैसे मैं हिंदी का टीचर हूँ। इस विद्यालय में हमने देखा है पिछले 15-16 वर्षों में कितना सुंदर लोकेशन इस स्कूल का है, दूसरी जगह मिलना मुश्किल है, लेकिन विद्यालय की कुछ समस्याएं हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे इस विद्यालय की जो बिल्डिंग है ये बहुत ही पुरानी है, आप देख सकते हैं जगह जगह टूटी है, इसका नवीनीकरण होना चाहिए। विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, डेस्क बेंच ये सब बहुत ही कम है, ना के बराबर है। टीचर्स PGT इकोनॉमिक्स चाहिए यहाँ नहीं है।
विद्यालय में एक क्लर्क नहीं है, सबसे जरूरी है। एक हायर सेकेंडरी स्कूल में एक यूडीसी या एलडीसी का अपॉइंटमेंट होना बहुत ही आवश्यक है। टीचर्स क्वार्टर नहीं है हमारे यहाँ, केवल 6 क्वार्टर हैं यहाँ, वो भी बहुत पुराने हैं, रहने लायक नहीं है, जैसे तैसे हम लोग उसमें रहते हैं, बाकी सारे लोग सेप्पा से आते हैं या भाड़ा लेके इधर उधर रहते हैं। क्वार्टर नहीं है, हॉस्टल नहीं है। हॉस्टल ना होने की वजह से हमारे यहाँ की छात्र संख्या कम है, एनरोलमेंट कम है, बच्चे तो बहुत, इस बार भी हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों को वापस किया क्योंकि उनके रहने की यहाँ व्यवस्था नहीं है। स्कूल में बाउंड्री वाल नहीं है, सबसे जरूरी जो है, जिसकी वजह से हम लोग बच्चों को जितना अनुशासित रखना चाहिए नहीं रख पाते हैं। बच्चे इधर से उधर से जहां तहां से 1-2 पीरियड पढ़कर भागते भी हैं, रोकते तो हैं हम लोग, लेकिन बाउंड्री वाल होने से हम लोग उनको भागने से रोक सकते हैं। अगर इन चीजों पर सरकार ध्यान दे, इन सारी चीजों की सुविधा यहां मुहैया करा दी जाए तो एक बहुत ही आदर्श विद्यालय, मॉडल स्कूल होगा ये पंपोली हायर सेकेंडरी स्कूल। आप देख रहे हैं हाईवे पर है, सेप्पा से बिल्कुल पास में है, 6 किलोमीटर दूर है। इन चीजों की कमी जो है इसको अगर पूरा कर दिया जाए तो ये विद्यालय पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं अरुणाचल में हमको लगता है बहुत ही सुंदर होगा। रिजल्ट तो हमारा बहुत ही अच्छा रहा है, हमेशा अच्छा रहता है। ये जो मूलभूत समस्याएं हैं ये मैंने आपके सामने रखी। हमारे चेयरमैन साहब जो शुरू से ही 40-45 साल से चेयरमैन है विद्यालय के, हर समस्या का समाधान आपके द्वारा, चाहे टीचर्स की समस्या हो, बच्चों की समस्या हो, आप ही संभालते हैं। तो आप भी बताएंगे विद्यालय के बारे में, और हमारी 3-4 बातें फिर मैं उनको दोहरा रहा हूँ। विद्यालय का जैसे नवीनीकरण होना चाहिए, बिल्डिंग बहुत ही पुरानी है, विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, डेस्क बेंच बिल्कुल ही ना के बराबर है, टीचर्स क्वार्टर नहीं है, हॉस्टल नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, और विद्यालय में एक यूडीसी या एलडीसी का अपॉइंटमेंट होना बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद। आप लोग का जरिए कम से कम हमको यहाँ का जो कमी घटी जो है इनको बताने का जो मौका जो मिल रहा है। मैं बता दूं कि हम लोग यहाँ का एक नेटिव रिसाइडर एंड लोकल यूथ जो है, मैंने वर्षों से जो ये स्कूल का बारे में जो हम लोग देख रहा है जो कमी घटी है बहुत ये पैथेटिक कंडीशन में है। तो मीडिया के जरिए से मैं ये बताना चाहता हूँ, शायद आप लोग घूमते घूमते यहाँ पे जो वीडियो जो आप ले रहा था, यहाँ का जो पैथेटिक कंडीशन जो है, हॉस्टल को शायद आप लोग विजिट किया होगा, यहाँ का सलाइन वलाइन, यहाँ का पंखा चेयर टेबल उसको देखा होगा। ज़्यादातर स्कूल ऐसे हैं वहाँ में चेयर भी नहीं है, और ज़्यादातर ऐसे हैं जो था वो ऑलमोस्ट अनरिपेरेबल है, ये रिपेयर भी नहीं कर सकेगा। अगर अगर हो सके तो इसको ऑलमोस्ट पूरा इंटरनली चेंज करने से ठीक है। यहाँ में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो सर के जो रखा है, ये हम लोग का जो नेटिव जो रिसाइडर है उनका पॉकेट मनी से चल रहा है, और इसको हेड करता है हमारा SMC। SMC पूरा लगन का साथ, और यहाँ में जो जो पब्लिक जो है कुछ माने पेनी कंट्रीब्यूशन का साथ हम लोग धीरे धीरे रिपेयरिंग करके ये स्कूल जो चल रहा है ऐसे करके है, वो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कंडीशन। और शायद मीडिया वाला आप लोग आते समय देखा ही होगा, वहाँ से जब एंट्री होता है वहाँ में कुछ गेट भी नहीं है, और गेट में भी वहाँ से जब हम बाहर से जब देखता है ये हॉल को देखता है तो ये ऐसे लगता है ये कुछ कम्युनिटी हॉल है, ना सर्कल हाउस है, ना एबंडन वाला कोई घर ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे करके है। और आप लोग देख ही रहा होगा यहाँ में जितना इस तरह एनिमल्स जो है, डोमेस्टिक एनिमल्स जो सुअर हो गया, कुत्ता हो गया, पब्लिक नॉन पब्लिक जितना हो सकेगा जब चलेगा वो आ जाता है। तो ऐसे हो के यहाँ का जो बाउंड्री वाल है वो हमारा बाउंड्री वाल होने से बहुत अच्छा है। ये स्कूल का ओपनिंग 60s में हुआ, उसमें ये मिडिल स्कूल था, तो चलते चलते समय का साथ ये सेकेंडरी बना, सेकेंडरी का बाद हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी का हम लोग 2016 में गोल्डन जुबली भी मना चुका है, तो उसमें हमारा चीफ गेस्ट था किरण रिजिजू जी, वो हमारा चीफ गेस्ट था यहाँ पे, अभी का जो हमारा जो कानून मंत्री जो है उसमें वो MOS था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स, ऐसे करके वो चीफ गेस्ट रहा, गेस्ट ऑफ ऑनर बामन फिलिप्स जी रहा, वो भी आया, तो उसमें भी हम लोग जितना मेमोरेंडम हम लोग का थ्रू से था कमी गति को हम लोग पूरा शेयरिंग किया है। उन्होंने भी जो आया था बहुत पॉजिटिवली ले गया हमारा बात को,
ऐसे करके है। तो इसलिए जितना भी जो कंसर्न अथॉरिटी जो है ये स्कूल को भी स्टेप मदरली ट्रीटमेंट नहीं करने से अच्छा है। ये भी एक हायर सेकेंडरी है, यहाँ से भी बहुत से एकेडमिशियन निकला, टेक्नोक्रेट्स निकला, ब्यूरोक्रेट्स निकला, ऐसे करके हम लोग को भी एलोफ नहीं छोड़ने सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो नेचर का जो दिया हुआ, प्रकृति का जो दिया हुआ कंपाउंड इज अवेलेबल। आप पिल को देख रहा होगा, पिल इतना अच्छा है, इतना एसेसेबल है। कंपनी का ये हायर, ये नेशनल हाईवे का जो कंपनी का जरिए से हमारा जो एसएमसी ने इसका पिल को भी बहुत अच्छा से प्लान कर चुका है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स जो है वो भी बहुत अच्छा से चलता है। तो ऐसे करके सेपा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है ये यहाँ से ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर है, तो ऐसे करके आपस में इतना दूर भी नहीं है। तो सेपा फील्ड में जितना स्कूल का फंक्शन हो, कॉलेज का फंक्शन हो, वहां से ओवरफ्लो होता है, तो हमारा फील्ड में सब चीज स्पोर्ट्स एक्टिविटी पूरा ये फील्ड में करता है। ऐसे करके ये फील्ड का इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। तो मेरा मीडिया के जरिए से जितना भी जो हमको जो सुन रहा है उनको मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी का जो मंत्र है फिट इंडिया मूवमेंट, और हमारा अभी का जो स्पोर्ट्स मंत्री जो है उसका क्रेडेंशियल को हम डाउट नहीं करता है, उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन हम बोलता है अभी भी करना भी और तरह बाकी है। ऐसे करके हमारा ये फील्ड का इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है। इसमें जब भी स्पोर्ट्स कुछ फंक्शन होता है, स्पोर्ट्स मीट होता है, स्कूल का कॉलेज का पूरा यहाँ पे आता है, कभी कभी हम तो एक दो माहौल ऐसे भी देखा, हमारा चेयर बेंच को पूरा ले जाता है, यहाँ से उसको गैलरी बना के वो स्पोर्ट को विटनेस करना शुरू हो जाता है। ऐसे करके स्पोर्ट्स का भी जो है उसको ध्यान देने से अच्छा है। लास्टली वी एस एन यूथ ऑफ पंपोली एंड पब्लिक, उसका जरिए से यहाँ का जो जिला का जो MLA है टेनिस चप्पा, इसका बाद हमारा हॉनरेबल मिनिस्टर श्री मामा नेतुंग जी, एजुकेशन मिनिस्टर ताबा तेदिर जी, और साथ ही साथ हमारा यंग एंड एनर्जेटिक चीफ मिनिस्टर श्री पेमा कांडू जी, आप लोग से ये इस बार हम लोग ऐसे बिलीव करता है ये साल हम लोग को स्टे मदरली ट्रीटमेंट नहीं होगा। थैंक यू।